नमस्कार। केजरीवाल जी का कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को वोट ना दें। पश्चिम बंगाल में केंद्र व राज्य सरकार के बीच बिछड़े सियासी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करें। एक बयान जारी कर केजरीवाल ने सवाल किया है कि बिना वारंट के सीबीआई के 40 लोगों की टीम का एक राज्य के पुलिस कमिश्नर के घर में घुस जाना क्या गैर कानूनी नहीं है? क्या यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो उन्हें विजय माल्या और नीरव मोदी को देश से बाहर क्यों जाने दिया? केजरीवाल ने आगे लिखा है कि उनके ऊपर केंद्र सरकार ने 33 केस कारवा रखे हैं। घर पर पुलिस की रेड करवाई, बेडरूम रसोई तक की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की तरह ही 4 साल पहले दिल्ली में भी अर्धसैनिक बल भेजकर एंटी करप्शन ब्यूरो का दफ्तर घेर लिया था। यह संघीय ढांचे पर हमला है। राज्य सरकारों के अपने कुछ संवैधानिक अधिकार होते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र के अधीन आने वाले सरकार संस्थानों का दुरुपयोग कर राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश करेंगे तो ये देश नहीं बचने वाला। तो हमारी ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आप हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो देख पाए और उससे पहले। धन्यवाद।